वेलकम टू गौरव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपको भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सीखना या पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों, गौरव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है हम यूज़ करते हैं वोल्ट और करंट को मेज़रमेंट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, पीटी और सीटी। तो आप ये देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का सीटी पीटी, ये कंबाइन सीटी पीटी है जो आप ये देख रहे हैं, ये कंबाइन सीटी पीटी है। तो सीटी पीटी का जो यूज़, जैसे कि मैंने बताया कि वोल्ट और करंट मेजरमेंट करने के लिए होता है, इसका एक यूज़ और होता है, वो होता है मीटरिंग पर्पज़ के लिए। मतलब के जो कंजप्शन हमारा निकलता है, यानी कि एक मीटर के थ्रू ही हम जो कंज्यूम एनर्जी है वो मेजरमेंट करते हैं। तो इसका एक ये पर्पज़ है, जैसे कि आप कनेक्शन ये देख रहे हैं, ये 33 kV की सीटीपीटी कंबाइन सीटीपीटी है। तो आप ये देख रहे हैं नीचे, ये हमारा 33 kV का एनर्जी मीटर लगा हुआ है। और सीटीपीटी के बिना हम एनर्जी मीटर भी नहीं इंस्टॉल कर सकते, और बिना सीटीपीटी के मीटर अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो हमें यही नहीं पता होगा कि हम कितना जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और ये है दोस्तों पीटी। पीटी मींस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज के लिए सिंगल पीटी होती है, और इसको वोल्ट ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो ये हाई वोल्टेज से कनेक्ट है, और जैसे कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसी तरह इसमें भी सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो सर्किट के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। दोस्तों, यह है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट। हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो है डायरेक्टली एक फेस से जुड़ी हुई है, और एक साइड से ये अर्थिंग है प्रॉपरली। अच्छा, दूसरी साइड में क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो जिस पे हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट है, जो कि वोल्ट मेजरमेंट करेगा, और ये भी प्रॉपरली अर्थिंग है। ये है दोस्तों सीटी करंट ट्रांसफार्मर, जो कि करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और 33 kV का ये सीटी है। सीटी जो है वो अलग अलग रेशो का होता है। रेशो मतलब जैसे किसी कंडक्टर में, जैसे मान लो ये कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर सीटी का रेशो जो है 100:5 एम्पियर है, तो वो सेकेंडरी में 5 एम्पियर हमें देगा। और ये इसमें भी पीटी की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो कि ऑयल में डूबी होती है, ऑयल इमर्ज होती है। इसकी भी आउटगोइंग होता है, आउटगोइंग जो है हमारा एक पैनल के थ्रू होते हुए हमारा कंट्रोल रूम के अंदर गया हुआ है। कंट्रोल रूम में सेलेक्टर स्विच के थ्रू होते हुए एमीटर पे गया हुआ है, जो कि हमारा इसमें कंडक्टर में 33 kV साइड में चल रहा एम्पियर शो करेगा। दोस्तों, ये है करंट ट्रांसफार्मर। आप देख ही रहे हैं इसमें भी सेकेंडरी और प्राइमरी दो तरह की वाइंडिंग होती है, जैसे कि हमारे पावर ट्रांसफार्मर में होती है। और प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है डायरेक्टली हमारे लाइन करंट से जुड़ी होती है, और इसमें जो है कुछ ही टर्न होते हैं। अब सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें हमारा एक एमीटर कनेक्ट है, जो कि एम्पियर बताएगा। और इसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की बजाय ज़्यादा टर्न होते हैं। तो हम 33 kV कंट्रोल रिले पैनल पे हैं इस टाइम। तो आप ये देख रहे हैं एमीटर जो हमारा करंट को मेजरमेंट करेगा 33 kV साइड। ये है इसका सेलेक्टर स्विच, ये है दोस्तों इसका सेलेक्टर स्विच। जैसे ये इस टाइम आर पे है,
तो ये R का ही हमारा करंट ये शो कर रहा है। अगर मैं इसको Y पे कर देता हूँ, ये है, तो हमारा ये Y का जो एम्पेयर है, जो भी चल रहा है वो ये शो करेगा। इसी तरह से ब्लू ये। तो दोस्तों ये था सीटी। अब दोस्तों ये है एक और तरह का पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि 11 केवी का ये वोल्टेज का है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये दोस्तों 11 केवी के इनकमर पे लगा हुआ है। अब जैसे ये हमारा एमीटर और ये वोल्ट मीटर, इसके जो कनेक्शन है वो वोल्ट मीटर ये सिलेक्टर स्विच पे आए हुए हैं, और सिलेक्टर स्विच के थ्रू ये हमारा वोल्ट मीटर है। अब जैसे ये सिलेक्ट हुआ है बी, तो ये बी यानी कि ब्लू फेज का जो वोल्ट मीटर है वो शो कर रहा है। ये है वाई 11 केवी और ये है आर। तो इस तरह से ये सिलेक्टर स्विच के थ्रू हमारा वोल्ट मीटर पे ये वोल्ट शो करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। तो थैंक यू, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर।